नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन वर्क हेल्प में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आईना टंडर सक्सेस फैमिली ITSA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो हमारा इंटरनेशनल प्लान है SF वर्ल्ड, यहां पे आप फंड कैसे ले सकते हो। जो हमारा डॉलर है, क्योंकि डॉलर बेस्ड प्लान है तो हम डॉलर से ही एक्टिवेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो समय दिया है 10 से 15 दिन का, तो ये समय पर हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं अपने टीम को खुद से सर्विस दूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो ये जानकारी मैं देने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप खुद से अगर पेमेंट करते हो और डॉलर मंगाते हो और लोगों का आईडी एक्टिवेट करते हो, आप समझ सकते हो कितना फास्ट सर्विस आपके साथ होने वाला है। तो बिल्कुल ही स्किप ना करें और वीडियो को आराम से देखें ध्यानपूर्वक। और बहुत ही छोटा सा जो है यहाँ पर प्रोसीजर है, इसको सिर्फ समझना है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो है कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए जो कंपनी के अकाउंट नंबर है वहाँ पे पहले पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो हमारा जो पुराना जो हमारा INR वाला वेबसाइट है, यहाँ पे कंपनी का डिटेल दिया हुआ है, कंपनी का अकाउंट नंबर दिया है। तो कंपनी का जो INR वाला प्लान है, तो वहाँ पर जो हमारा साइट है www.successfamily.in, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये लॉगिन सक्सेस फैमिली और सक्सेस फैमिली करके आएगा। तो आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा, इतना सारे लोगों को पता होगा, या आप लोग नहीं पता होगा तो यही टाइप कीजिएगा www.successfamily.in। आपको इस तरह से जो है इसका इंटरफेस, इसका पोर्टल आ जाएगा। आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5वां नंबर पे बैंकर का ऑप्शन है, बैंकर को क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो है कंपनी का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ICICI बैंक दिया हुआ है, एक्सिस बैंक दिया हुआ है और इंडसइंड बैंक दिया हुआ है। तो ये तीनों अकाउंट पर आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, तीनों पे तीनों। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपको पॉसिबल हो तो एक्सिस बैंक में कीजिएगा, ठीक है। कंपनी का कहना है कि एक्सिस बैंक में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और बाकी उसमें भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा एक्सिस बैंक में करने का। तो एक्सिस बैंक के जो अकाउंट डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ITSA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो अकाउंट नेम है और अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है 92102005045364545, ये अकाउंट नंबर है। और इसका जो IFSC कोड है UTIB 000 और 3688 है। इसको आप लोग जो है बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिएगा। आप गूगल पे से के माध्यम से करो, या फ़ोनपे के माध्यम से करो, या पेटीएम के माध्यम से करो, उसको बेनिफिशियरी ऐड कर लीजिएगा जो भी आप यूज करते हो, और उसमें पेमेंट करना है। मैं यहाँ पे पेमेंट भी कर दे रहा हूँ, मैं पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि पेटीएम के माध्यम से अभी तक मैं पेमेंट किया मैंने, ठीक है। तो पेटीएम में अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, जैसे आप पेटीएम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टू बैंक अकाउंट का, यहाँ पे स्कैन है, टू मोबाइल है, टू सेल्फ है और टू बैंक है, क्योंकि बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो टू बैंक में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है एंटर बैंक अकाउंट डिटेल में जो है आप क्लिक करके यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा एक्सिस बैंक का, और इस तरह से जो है यहाँ पे डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डालना है, प्रोसीजर करेंगे आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी जो है प्रोसीजर किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे ITSA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो है ये जो है 3645 का अकाउंट नंबर ऑलरेडी ऐड है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो लोग देख सकते हैं करीबन 20 तारीख से लेकर अभी तक का ट्रांजेक्शन 2 लाख से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, जो लोगों का मैं ID एक्टिवेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से 1, 2, 3 ID भी करूँ तो आप कर सकते हो। ये सुबह सुबह ही आज की डेट का ही है, जो 8500 का किया था 5 ID का, तो ये भी कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे 3 ID का पेमेंट करता हूँ। 3 ID का मतलब ये होता है, एक ID का जो है $20 से एक्टिवेशन होता है। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक ID का जो है $20 होता है, $20 से एक ID होता है। लेकिन $1 का जो होता है वो कंपनी ने किया डिसाइड, और कंपनी ने डिसाइड नहीं किया। आप अगर एक्सचेंजर पर भी अगर देखोगे, अगर बाइनेंस यूज करते हैं या जो भी चीज़, तो उसमें जो हमारा गैस फी करके जो फी कटता है उसको अगर देखेंगे तो 85 रुपया से भी प्लस हो रहा है, 85 रुपीज़ से भी प्लस हो रहा है, 85.40 इस तरह से जो है आ रहा है। तो 85 के कैलकुलेशन पे ही कंपनी बोला है कि आप लोग पेमेंट करेंगे तो आपको जो है डॉलर जो है आपके ID पे प्रोवाइड कर देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, $20 से एक्टिवेशन करना है तो $1 बराबर 85 रुपया हो रहा है, तो ये कर देते हैं। तो मतलब अगर एक ID एक्टिवेट करते हैं 1700 रुपये लगेगा INR पे, जो हमारा करेंसी है। अब मुझे करना है 3 ID,
अब तीन आईडी करना है, तीन आईडी का मतलब एक आईडी का 20 होता है तो तीन आईडी का 60 हो गया। अब 60 अगर डॉलर करेंगे तो इंटू जो है 85 करेंगे तो 5100 होगा। तो मुझे तीन आईडी का, आप एक आईडी का भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 1700 रुपये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं तीन आईडी का कर रहा हूँ, अब यहाँ पे 5100 रुपये पेमेंट करना, तो यहाँ पे मैं 5100 रुपये पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, जो मैसेज करना है, क्योंकि बाद में ये दिक्कत ना हो, उनके पास भी मैसेज चला जाता है, सुधीर लोहार करके भेज दिया मैंने, और यहाँ पे ना मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ 5100। तो यहाँ पे पूरा लाइव कर रहा हूँ, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पेमेंट भी हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद क्या करना है, इसका जो रेफरेंस नंबर है उसको ले लेना, इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर में क्लिक करेंगे डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप में आ जाएगा, और व्हाट्सअप में क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा कहीं पे। यहाँ पे जॉब मटेरियल में रख करके है तो यहाँ पे मैं सेव कर ले रहा हूँ, इसको हटा दीजिएगा। अब इसको शेयर कर लेते हैं। अब शेयर करने के बाद ना इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ थोड़ा सा। स्क्रीन शॉट लेने का मतलब ये है कि अभी हमें इसको जो है ना कंपनी को एड फंड करते समय इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट जो जैसा चाहे वैसा ले सकते हो। और उसके बाद आप जो यूपीआई रेफरेंस नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, यूपीआई का रेफरेंस नंबर, इसको आपको क्या करना है, टाइप करके रखना है, ठीक है। अगर पेटीएम से करते हैं, अगर आप फ़ोनपे पे करेंगे तो वहाँ पे यूटीआर नंबर रहेगा, अगर आप गूगल पे करेंगे तो वहाँ पे भी एक रेफरेंस नंबर करके, एक ट्रांजेक्शन नंबर करके होता है, तो उसको आप टाइप कर लेना अच्छा रहेगा। 2225 उसके बाद 48 है, 702608। तो ये जो है बारीकी से डालना है, बारीकी से बोलने से पूरा बारीकी से, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिएगा, या कॉपी नहीं करेंगे तो बाद में डाल सकते हैं। अब जाते हैं हमारा इंटरनेशनल प्लान पे, हमारा एसएफ वर्ल्ड पे, तो वहाँ पे हमें एड फंड करना है। तो इसके लिए क्या है, हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वेबसाइट हमारा है www.sfworld.in। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जो है ऊपर वाला में क्लिक कीजिएगा एस एफ वर्ल्ड करके। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे जो हमारा पोर्टल है वो आ जाएगा। यहाँ पे थाईलैंड टूर जो है दिया हुआ है, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ये कट हो जाएगा, और ये हमारा पोर्टल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपल सी बात है, लॉगिन में क्लिक करना है। अब लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसोसिएट आईडी और जो है पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे एसोसिएट आईडी फिल कर देंगे और यहाँ पे जो है पासवर्ड फिल कर देंगे। अगर आपका सेव है तो सेव हो जाएगा, नहीं है तो आप जो है आईडी पासवर्ड फिल कर दीजिएगा और लॉगिन में क्लिक कर दीजिएगा। और लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, ये जो मेंबर नेगेशन है यहाँ पे क्लिक करना है, और इसमें क्लिक करने के बाद आपने पैसा को डिपॉजिट किया, आपको फंड लेना है, ठीक है, आपको जो है डॉलर लेना है, तो आपको करना क्या है, सीधा डिपॉजिट में क्लिक करना है। डिपॉजिट में क्लिक आप करोगे, अब डिपॉजिट क्लिक करने के बाद इस तरह का ही ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट पेमेंट मेथड करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूएसडीटी को क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूएसडीटी आ चुका है, और उसके बाद सबमिट करेंगे। ये सिर्फ 10 से 15 दिन का जो है ऑफर मिला है कि हम जो है INR के माध्यम से भी जो है हम डॉलर ले सकते हैं, और बाकी जो है आगे आने वाले टाइम में यूएसडीटी से कैसे ले सकते हैं ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे में दो ऑप्शन दिया हुआ है, मात्र दो ऑप्शन, कुछ अलग नहीं है। तीन ऑप्शन दिया था लेकिन उसको हटा दिया क्योंकि उसका अभी काम नहीं है 10 से 15 दिन तक। तो अभी जो है अमाउंट डालना है, ये जो डॉलर के ऊपर अमाउंट डालना है, मैंने जो है 5100 रुपये पेमेंट किया, तो 5100 रुपये का जो डॉलर हो रहा है वो $60 हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5100 डालना है, मैं यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन दोबारा। अगर मैंने यहाँ पे 5100 रुपये पेमेंट किया है और 85 रुपये करके जो है एक डॉलर का है, तो इसको डिवाइड बाई 85 करते हैं तो 60 बच रहा है। तो ये 60 यहाँ पे फिलअप करना है तीन आईडी का, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन हेड साइड दिया हुआ है जो मैंने कॉपी किया हुआ है, यही जो है 2235487026 08 जो नंबर मैंने टाइप कराया, रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, UTR नंबर, इसमें डालना है। और इसके बाद यहाँ पे जो छोटा सा एक चूज़ फाइल करके लिखा हुआ है, चूज़ फाइल करके, इसको क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद फाइल में जाना है, और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको टच करना है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है ऐड हो चुका है, और इसके बाद सबमिट करना है बस। अब सबमिट जैसे ही आप करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर रिक्वेस्ट टू एड फंड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, तो ये आपका सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। और आप 5 से 10 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको आएगा कहाँ पे, मेंबर नेगेशन में क्लिक करना है और टॉपो में क्लिक करना है, क्योंकि टॉपो वॉलेट में आएगा, क्योंकि आईडी एक्टिवेट करना है तो जाहिर सी बात है टॉपो वॉलेट में जाना है। तो टॉपो वॉलेट में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे मेरा $5 है, तो यहाँ पे जो है
जो है $60 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है $65 हो जाएगा, 65.61 हो जाएगा। तो इसका वेट कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारा जो बैलेंस है वो 65.61 हो चुका है, मतलब ये जो हमारा डॉलर है वो रिसीव हो चुके हैं कंपनी के माध्यम से। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए आपके पास फंड आ गया, अब आपको एक्टिवेट करना है, आपको एक्टिवेट करना है तो आपका जो मेंबर आईडी है वो आप ले लीजिएगा या याद रखिएगा, या कोई दिया होगा मेंबर आईडी याद होगा तो वही मेंबर नेविगेशन पे जाना है, टॉप अप में क्लिक करना है, ये टॉप अप में क्लिक करना है और ये टॉप अप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एसोसिएट आईडी, यहाँ पे एसोसिएट आईडी डालना है। साइड में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अपर्णा दास करके है तो ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि हाँ सही में यहाँ 5 है ना, इसको मैं 4 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या नाम आता है, नहीं आ रहा है, ठीक है, मेंबर इनवैलिड बता है तो यहाँ पे 5 था, 5 कर दें, नाम आ जाएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा, $20 ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करना है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिल कर दीजिए, जो लॉगिन पासवर्ड है वो नहीं है, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये सेंड ओटीपी में क्लिक करना है सबसे पहले। तो सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा ओटीपी हैज़ बिन सेंड, रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा, ईमेल आईडी पर ही आएगा, तो ओके कर दीजिएगा। अब डायरेक्टली क्या करना है, हमें जीमेल पर जाना है। अब जीमेल पर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ रिफ्रेश कर दे रहा हूँ और 5:30 हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारा ओटीपी आया हुआ है, जैसे 5:30 और यहाँ पे ओटीपी जो आया है 36, 73 और 60। ये 36, 73, 60 ये आ गया। अब यहाँ पे सब चीज़ फिलअप हो चुका है, डायरेक्टली सबमिट में क्लिक करना है और यहाँ पे डू यू वांट टू टॉप अप दिस आईडी, ओके कर देंगे। और यहाँ पे आईडी देखिए, यहाँ पे एसोसिएट आईडी दिया दे रहा है, हैज़ बीन सक्सेसफुली टॉप अप विथ अमाउंट $20, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ओके कर देना है। बस इस तरह से आप फंड भी ले सकते हो, आप फंड कहीं से भी लो, अगर इस प्रोसीजर को करोगे तो पूरा प्रोसीजर आप खुद अगर करोगे ना तो बहुत अच्छा जो है आपका बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि जैसा आप जो है सर्विस दोगे उस तरह से आपका काम बढ़ने वाला है। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना शिद्दत से इस वीडियो को देखा तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक ज़रूर करेगा, नहीं अच्छा लगा तो गाली दे कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी जो है समझ में आएगा कि मैं गलती क्या करूँ। और आप लोग कोशिश कीजिएगा सुधारने का, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ गलती हो रहा है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर लगता है कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कुछ जानकारी मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा, कोई भी जानकारी आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तौर पे मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।